नबी से मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत की वजह से अपने नबी की महफिल में हाजिर हैं। और जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो मोहब्बत कहती है कि महबूब का दीदार हो जाए, मोहब्बत कहती है कि महबूब की जियारत हो जाए, मोहब्बत कहती है कि महबूब का दर्शन हो जाए। अगर जियारत नहीं हो पाती, दीदार नहीं हो पाता तो मोहब्बत कहती है कि हम अपने महबूब की आवाज ही सुन ले, कम से कम आवाज ही सुन ले। जब आवाज भी नहीं सुन पाते तो मोहब्बत कहती है अपनी आवाज अपने महबूब तक पहुंचा दे। हम मोबाइल के जरिए फोन करते हैं, हेलो ठीक है, कहाँ है, क्या कर रहे हैं, तबीयत कैसी है, खाना खा लिया के ना खाया, दवा खाई के ना खाई, बच्चे कैसे हैं। आप हैं मुंबई में, बात हो रही अमना से, आप हैं दिल्ली में और बात हो रही है अमना से, आप हैं बेंगलोर में और बात हो रही अमना से। अब ये आवाज मेरी कैद हो जाएगी और दूर जाएगी, लोग कहेंगे बात हो रही आमना से, क्या मतलब किसी खातून का नाम आमना नहीं, तो सुन लीजिए इस बस्ती का नाम आमना। और नाम भी बहुत प्यारा है, ये वो नाम है कि सैयदुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबीयीन मोहम्मद अरबी रूही फिदा, हमारे आका दादा माबा मलजा शमसुद्दोहा बद्रुद्दोजा नूरुल होदा खैरुल रसूल खैरुल बशर खैरुल वला की प्यारी अम्मी का नाम आमिना है। और ये निस्बत इस बस्ती को मिली तो मुस्तफा का फैजान भी मिल रहा है और बरकत आमिना भी मिल रही है। बहुत अच्छा नाम। माँ बहनों जरा आप अपनी तकरीर बंद कर दें, इधर कोई सुराही रखी है तुमने, इन लोगों की महफिल में कोई तुम्हारा हौरन है, कहा कहीं दिख रहा है, कहा आप कह रहे हैं अब किधर है, हम लोग नजर तो पहुंच नहीं रही है, लाओ कोई दूरबीन हम ढूंढे और देखें। अल्लाह रब्ब मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनो बात मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आवाज मेरी गालिब हो जाए तो माँ बहनों की आवाज पस्त हो जाएगी इंशाल्लाह। माँ बहनों से गुजारिश है तसल्ली से और नहायत मोहब्बत से अदब से तशरीफ रखें। तो अर्ज कर रहा था मैं कि आप है कलकत्ता में, बात हो रही है इस आमना बस्ती से, आप है दुबई में, बात हो रही है बेटे से बेटी से, बात हो रही है वालिद से वालदा से, आपकी बात बीवी से हो रही है, भाई से हो रही है, बहन से हो रही है, ये मोहब्बत का तकाजा है। एक बार मजनू जंगल में था, मजनू उंगली से जमीन पे कुछ लिख रहा था, किसी ने पूछा है मजनू शैदा चीज थी मीन अवेशी नामा बहरे किश्ती, ओ मजनू तू जमीन पे किसको खत लिख रहा है, हम चले कि अल्फाज मिल जाएंगे तहरीर मिल जाएगी। मजनू बोला नामे लैला मशकी कुनम खातरे खुदरा तसली भी दे, हम मैं किसी को खत नहीं लिख रहा, लैला का नाम जमीन पर लिख कर बेकरार दिल को करार दे रहा, मुझे लैला से मोहब्बत है तो जिक्र लैला से मुझे करार मिलता है, नाम लैला से मुझे करार मिलता है। अल्लामा रूमी ने फरमाया अगर जिक्र लैला से मजनू को करार मिलता है तो जिक्र मुस्तफा से सुन्नियों को करार मिलता है, नाम मुस्तफा से सुन्नियों को करार मिलता है, तारीफ मुस्तफा सुनकर सुन्नियों को करार मिलता है, खसाइल शमाइल फजाइल का जब जिक्र हो तो सुन्नियों को करार मिलता है। हमें जान मिली नबी के सदके में, ईमान नबी के सदके में, इकात नबी के सदके में, इरफान नबी के सदके में, कुरान नबी के सदके में, शम्सो कमर नबी के सदके में, बरको समर नबी के सदके में, खुशको तब नबी के सदके में, जिन्नो बशर नबी के सदके में, लालो गोहर नबी के सदके में, हवनात नबतात जमातात कायनात नबी के सदके में, आफ्ताब की ताबानी चाँद की दरख्शानी समंदर की सैलानी मौजों की तुग्यानी नबी के सदके में, फूलों की महक कलियों की चटक जर्रों की चमक सितारों की चमक नबी के सदके में, हमारी मोहब्बत कहती है नबी का दीदार हो जाता किस्मत की मेराज हो जाती, दीदार नहीं हो पाता तो मोहब्बत कहती है हम नबी की आवाज सुन लेते, सबाब की मेराज हो जाती आवाज नहीं सुन पाते तो मोहब्बत कहती है आमिना में बैठकर या रसूल अल्लाह का नारा लगाओ और बारगाह मुस्तफा
पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, ऊंची आवाज में नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने बरेली शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। स्पीकर का रुख मेरी तरफ करो तो भाई तकरीर हो नहीं पाई, थका भी दोगे मुझे और मुझे लगता है थका के गिरा दोगे। इधर रुक करे, हेलो 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 हेलो, नुमाइश हो रही, इसकी फोटो खींच लेना आप लोग, फोटो खींच के ले जाओ, दिखा देना कि ये चीज है जो आई थी। अब बेला वजह अल्लाह रब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनो इबाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमें नबी से मोहब्बत है, हमारी मोहब्बत कहती है कि कम से कम बारगाह रिसालत तक अपनी आवाज पहुंचा दें, चूंकि उनकी बारगाह वो बारगाह है कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हर कौम अपने नबी, हर कौम अपने पेशवा से मोहब्बत करती है, हर कौम। लेकिन मुसलमानों की जो मोहब्बत है, सारी दुनिया इस बात का एतराफ करती है कि कौम मुस्लिम हर तकलीफ, हर तरह का दुख, हर तरह का गम बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन नबी की तौहीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कौम मुस्लिम सुन्नी मुस्लिम की पहचान है, किसकी? सुन्नी मुस्लिम, सुन्नी मुसलमानों की। वरना इस मुल्क में दाढ़ी टोपी वाले और भी हैं, पता नहीं वो कैसा धर्म रखते हैं, पता नहीं वो कैसा पेशवा रखते हैं कि कोई मेरे नबी का कार्टून बना दे कार्टून, फिर भी दो मुश्की दाढ़ी वाले को गुस्सा नहीं आता, नहीं आता गुस्सा। पता नहीं वो किसका कलमा पढ़ता है, नबी का किसी ने कार्टून बना दिया और डबल डबल मुट्ठी की दाढ़ी वाले को गुस्सा ना आया। पता ये चला कि वो मुस्तफा का कलमा नहीं पढ़ता है, वो यहूदियों का एजेंट है, जो सुन्नी होगा वो जान तो दे देगा, अजमत मुस्तफा नहीं देगा, अजमत मुस्तफा पे हर्फ नहीं आने देगा। तो हर कौम अपने अपने पेशवा से मोहब्बत करती है, हर कौम, लेकिन सुन्नी की तरह कोई कौम मोहब्बत नहीं करती। देखिए यहूदियों का एक डॉक्टर है, उसका नाम है डॉक्टर माइकल हार्ट। उसने पूरी दुनिया में घूम घूम कर उंगली कर रहे, जब पूरी दुनिया में घूमता रहा और घूम कर उसने दुनिया से 100 लोगों के नामों को छांटा। क्या किया? छांट कर ऐसे लोगों के जिन्होंने कौमी मिल्ली समाजी मजहबी फलाही काम किया और जिनका कौम पे कुछ असर है और जिसकी कुछ खिदमात है कौम के लिए, ऐसे 100 लोगों के नाम की लिस्ट बनाई। कितने लोगों की? 100 पूरी दुनिया में घूमता रहा वो, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, तुर्किस्तान में, इंग्लिस्तान में, अफगानिस्तान में, सूडान में, अमेरिका, जर्मनी, जापान, पोलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सीरिया, अल्जीरिया, उमान, कुस्तुनतुनिया, तंतानिया, चेचेनिया, बोस्निया, अल्जीरिया, केनिया, मशरिक, मगरिब, शमाल और जनूब में, पूरी दुनिया में घूमता रहा, पूरी दुनिया में घूमता रहा और 100 लोगों के नामों की लिस्ट बनाई, 100 लोगों के नामों की लिस्ट बनाई और उसने एक किताब लिखी। तवज्जो चाहूंगा, बिल्कुल यही आवाज रहने दो, एकदम यही आवाज रहने दो। एक किताब लिखी डॉक्टर ने, किताब लिखी, क्या किया? एक किताब लिखी, किताब लिखी और आमना में आने वालों, उसने किताब लिखी और 100 लोगों का जिक्र किया। एक नंबर पर उसने हमारे नबी का नाम रखा। नहीं, पता नहीं क्या, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह।
एक नंबर पर ये पुरफतन दौर है, मगरबी तहजीब गालिब है, कंपटीशन का जमाना है, तकाबुल ही तकाबुल है। अधियान के हवाले से लोग बर्तरी की सये पर हम जोते मुसलसल करते हैं, अब तक मत को हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं, लेकिन वो सच्चाई से इन्हेराफ न कर सका, राहे फरार न थी, एक नंबर पे हमारे नबी का नाम एक नंबर पे हमारे नबी का नाम रखा। एक इंटरव्यू में पूछा गया, वो डॉक्टर माइकल हार्ट, एक नंबर पे तूने यहूदी पेशवा का नाम क्यों नहीं रखा, ईसाई पेशवा का नाम क्यों नहीं रखा, बुद्धिस्ट पेशवा का नाम क्यों नहीं रखा, गैर मुस्लिम पेशवा का नाम क्यों नहीं रखा, तो जवाब देता है मुसलमानों के पेशवा का नाम एक नंबर पे रखने की वजह क्या है। सुनो सुनो, मैंने मोहम्मद की 63 साल जिंदगी बनसर अमीर पड़ी है और को रिसर्च के बाद मैं ये नतीजा निकाला हूँ कि मोहम्मद की तरह इस कायनात में ना कोई आया है ना कोई आएगा। अरे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला बरेली शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, न कोई आया है न कोई आएगा। अब यहाँ पे मुर्शिद करीम ताजु शरिया का वो शेर सुना दूं, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, के मुस्तफा ज़ाते यकता आप है। वकालत नहीं चलेगी, सखावत का मुजाहरा करो, के मुस्तफा ज़ाते यकता आप है, यक ने जिसको यक बनाया आप है, आपकी खातिर बनाए अपनी खातिर जो बनाया आप है। अच्छा एक शेर और है, काबिले गौर है, आपकी तलहत को देखा जान दी, आपकी तलहत को देखा जान दी, आपकी तलहत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप। सुभान अल्लाह, मोबाइल देख रहा है, अरे बाप रे, इतना मोबाइल देखोगे आपकी रोशनी कमजोर हो जाएगी। ट्रेन में मोबाइल देख रहा है, प्लेन में मोबाइल देख रहा है, सफर में देख रहा, हजर में देख रहा, खलबत में देख रहा, जलबत में देख रहा, स्टेज पे भी बैठ के देख रहा, महफिल में भी बैठ के देख रहा, आंख की रोशनी चली जाएगी, ऑपरेशन कराना पड़ेगा ऑपरेशन। जरा मोहब्बत से उलमा को देखिए और बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तो डॉक्टर माइकल हार्ट बोला, मोहम्मद अरबी की हर अदा बेमिसाल, उनकी मक्की जिंदगी बेमिसाल, मदनी जिंदगी बेमिसाल, सफर बेमिसाल, हजर बेमिसाल, खलबत बेमिसाल, जलवा बेमिसाल, उनका जलवा बेमिसाल, तलवा बेमिसाल, सीना बेमिसाल, मदीना बेमिसाल, दंदार बेमिसाल, खानदान बेमिसाल, उनके मानने वालों में अबू बकर बेमिसाल, उमर बेमिसाल, उस्मान बेमिसाल, अली बेमिसाल, तलहा बेमिसाल, ज़ुबैर बेमिसाल, सअद इब्ने वक्कास बेमिसाल, सईद इब्ने ज़ैद बेमिसाल, अब्दुल रहमान इब्ने औफ बेमिसाल, अबू बकर इब्ने जर्राह बेमिसाल, अनस इब्ने मालिक बेमिसाल, सलमान फारसी बेमिसाल, बिलाल हबशी बेमिसाल, खालिद बिन वलीद बेमिसाल, फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने उस रवाश में होता है फरेरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हबीबे खुदा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने आबदा, नारे तकबीर। हजरत आमिना खातून फरमाती हैं, नारा लगाया सरजमीने आमिना, एक रवायत याद आई, ए मां बहनों जरा खामोश हो जाओ, सुन लो,
इस कदर बोल रही है, इस कदर बोल रही है कि इन लोगों ने लगता है 1.5 महीने से मुसलसल इंतजार किया है, इंतजार कि जब जलसा होगा और उलमा बैठे होंगे उस वक्त हम शोर करके दिखाएंगे और बताएंगे कि हम भी किसी से कम नहीं है। गुजारिश है आपसे माँ बहनों कि इस वक्त आप समाप्त करें। बिनते रसूल खातून जन्नत हजरत फातिमा जहरा की मोहब्बत का वास्ता आपको मैं मुस्तफा की वालदा माजिदा आमिना खातून की मोहब्बत का वास्ता देता हूँ। मौसम बहुत साजगार है, अगर जो थोड़ी हवा चल गई है आपको परेशान नहीं होना है। अभी तो जनवरी का महीना गुजरा, फरवरी का महीना गुजरा और दिसंबर की ठंड भी गुजरी, आप लोगों ने ऐसे मौसम में भी ऐलान किया बर्फ के खेत में हम आग लगा सकते हैं, आग की ठेर को गुलजार बना सकते हैं। आज भी रहमत आलम का सहारा लेकर हम जमाने को असीयत से बचा सकते हैं। तो मौसम बहुत अच्छा है, बात चल रही थी मुस्तफा की मोहब्बत की, ये माँ बहने भी इनकी मोहब्बत पे मिसाल है। हजरत आमिना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा प्यारे नबी की प्यारी अम्मी फरमाती है कि प्यारे मोहम्मद अरबी की वलादत का वक्त करीब था, वलादत का वक्त करीब था, एक खातून आई। हजरत आमिना ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? कहने लगी मैं हव्वा हूँ। जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। दूसरी खातून आई, हजरत आमिना ने पूछा आपका नाम क्या है? वो कहने लगी मेरा नाम हाजिरा है। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। तीसरी खातून आई, हजरत आमिना ने फरमाया आपका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा मेरा नाम आसिया है। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। चौथी खातून आई, हजरते आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा आपका नाम क्या है? तो उन्होंने फरमाया मेरा नाम सारा है। जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, ये वो है कि हजरत आमिना खातून की खिदमत में है, मुस्तफा की आमद हो रही है, मुस्तफा की आमद ईशान से कि सुबह तैयबा में हुई, पड़ता है बारा नूर का, सबका लेने नूर का आया है, तारा नूर का चोर में गदा तू बादशाह, पड़ते प्याला नूर का, नूर दिन दुना तेरा ते डाल सबका नूर का, तेरी नस्ते पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का, क्यों के सुहाबन या बुआ के आयन शाह का पहाड़ या आयन शाह उनका है चेहरा नूर का, ऐ रब्बा की अहमते नूरी का सबसे नूर है, ये कहीं मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर। मुस्तफा की वलादत हुई, हजरत आमिना खातून फरमाती है कि मुझे कतई तकलीफ न हुई, कतई तकलीफ न हुई, तकलीफ तो हुई नहीं, और एक ऐसी खुशबू जाहिर हुई, एक ऐसी खुशबू निकली कि उस खुशबू से पूरा मोहल्ला मुअत्तर हो गया। आमद हुई मुस्तफा की इस शान से आमद हुई कि हजरत आमिना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मुस्तफा की वालदा माजदा फरमाती है कि ताइरे सिदरा बुलबुल सिदरा रूहुल अमीन जिब्राइल अमीन ने गुजारिश की इज़हर या सैयद अल मुरसलीन, इज़हर या रहमत लिल आलमीन, इज़हर या खातिम अल नबीयीन। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा ईशान से तशरीफ फरमा हुए कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं तवाफे काबा कर रहा था, बात मुस्तफा की वालदा से चली है, काले काबा तो खत्म होगी फिर लौटूंगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने प्यारे मोहम्मद को गोद में ले लिया, पेशानी चूम ली, मोहम्मद अरबी मुस्कुराने लगे, जो मुस्कुरा
बुलाए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। उसने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। हजरते अब्दुल मुत्तलिब कहते कि मैं गोद में मोहम्मद अरबी को लेकर काबा शरीफ की तरफ बढ़ रहा था, इस खुशी से बढ़ रहा था कि गोद में मोहम्मद अरबी होंगे और मैं तवाफे काबा करूंगा, तवाफे काबा करूंगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं बड़ी सुरहत से जा रहा था, बड़ी तेजी से जा रहा था कि एक मकाम पे रुक कर मैंने देखा। इधर देखिए फरमाते मैंने एक मकाम पे रुक कर देखा, काबा शरीफ को देखा, तो फरमाते हैं मेरी हैरत की इंतहा न रही, मैं मोहम्मद को लेकर काबे की तरफ बढ़ रहा था और काबा अपनी जगह छोड़कर मोहम्मद अरबी की तरफ आ रहा था। और काबे की तरफ दीवार से आवाज आ रही थी, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम बिनबी अरशा मौला अस्सलातु वस्सलाम। जब नबी पैदा हुए उनके मलबूत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हबीबे खुदा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और काबे की दरो दीवार से आवाज क्यों ना आए, और काबा हमारे नबी का इस्तकबाल क्यों ना करे। हमारा तो अकीदा है हाजियो आओ शहनशाह का रौजा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। हम तो मचल कर कहते हैं कदम उठ रहे हैं, जरा 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 साथ दे दे मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आवाज आप लोग तक पहुंच रही है, पहुंच रही है तो मुस्कुरा कर बोल दे सुभान अल्लाह। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा, पता पूछ लूंगा। सुबह नारे तकबीर, नारा लगाइए एक बार, नारा नहीं लगा रहे हम लोग, नारे तकबीर। हाथ नीचे ही रहेगा, अगर अल्लाह ने हाथ दिया है तो एनर्जी खर्चा कीजिए ना, और सुभान अल्लाह नारा लगाने में। नारे तकबीर, पीछे वाले हाथ नहीं उठा रहे, नारे तकबीर, आवाज बुलंद कीजिए, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ख्वाजा करीम नवाज हबीबे खुदा कॉन्फ्रेंस सरजमीने आमना शरीफ, सरजमीने आमना शरीफ हाफिज अहदीस कसीरा हजरत अल्लामा सिकुल्ला साहब मक्की। मोहब्बत है शायरे अहले सुन्नत, शायरे हरदिल अजीज कारी नादिर जमाली की, और इस वक्त मुकम्मल हिमायत के साथ हजरत हाफिज बुखारी अब्दुल कय्यूम साहब तशरीफ फरमा है शेर पे, जिस मोहब्बत का आपने इजहार किया तो एक शेर और याद आया, जरा पेश की बोल दे सुभान अल्लाह। के हरा गुंबद जब देखोगे जमाना भूल जाओगे, हरा गुंबद जब देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा में जाओगे तो आना भूल जाओगे, अगर
तैबा में जाओगे तो आना भूल जाओगे। मौला सबको तैबा का मुसाफिर बना दे, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। तो बात आई मोहब्बत की, मोहब्बत होती कैसी है और मोहब्बत होती कैसे है, सुनिए हदीस शरीफ। अल्लाह अकबर, हर शय नबी से मोहब्बत करती है। मिश्कात शरीफ बाबुल फिल मोजेजात सफा नंबर 533 सत्र 6 7 8 9 10 11 12 13 अंजाबी قال سيدنا رسول الله حتى نزل بعد النبي فذهب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقضي حاجته فلم ير شيء يستدر به واذا شجرتين بشاط الوادي فانطلق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الى احداهما فاخذ بغصن مخشانيا ثم قال ان قاد علي بين الله فانقادت معه كالبير المشوش الذي يصانع قائدا حتى اتشدت الاخرى فاخذ بغصن نقشانیہ ثم قال ان قادی علی بذن اللہ فالقاد اتماؤ قدالک حتی اذا کانا بالمنشفی مما بینہما قال التائم بذن اللہ فالتامتا فجلس تو حدیث نفسی فہانت منی لفتا فاذا انا برسول اللہ مقبلا فاذا شجرتین قدیب ترکتا فقامت کل واحدت منہما على سار او کما قال سید المرسلین नबी से मोहब्बत करती है और नबी से मोहब्बत होती कैसी है और होती कैसे है। माशाल्लाह निहायत ही दानिश्वर हजरात भी जलसे में तशरीफ फरमा है और आमद हो रही है बड़े बड़े कोहना मश्क और तजर्बाकार जी शऊर लोगों की आमद हो रही है। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। उलमा की नूरानी महफिल है, मोहब्बत होती कैसी है, तवज्जो चाहूंगा मकाम शहबा पर, मालिक बहरो पर अपनी नमाज असा पढ़कर फातिह खैबर जनाबे हैदर के जानू पर अपना सर रख कर सो गए। आप अगर जाग रहे तो बोले सुभान अल्लाह। गोट अली की सर नबी का ओ आमिना वालों का और करना को शेर खुदा की सर महबूबे खुदा का गोल हैदर करार की सर सैयद अबरार का गोल मुश्किल कुशा की सर अली से बेकसा का गोल हैदर करार की सर सैयद अबरार का नहीं मुखालत कर रहे हैं आप जरा हाथों उठा कर बोल रहे या अली उठाले बोले या अली या अली। ऐसा लगता है कि हाथों को उठाकर उठाने की या बोलने की पूरी जिम्मेदारी आगे वालों ने ही ले रखी है। पीछे वाले सोच रहे हैं कि अच्छा है आगे वाला फंसा हुआ है फंसा हुआ है। पीछे वाले सोच रहे हैं कि अच्छा है हम पीछे हैं हम बचे हुए हैं आगे वाले फंसे हुए हैं। तो मैं बता दूं आप सबको ये फंसे हुए हैं लेकिन दुनियादार की मोहब्बत में नहीं सैयदी अबरार की मोहब्बत में फंसे हुए हैं। इसलिए सारे लोग शामिल हो जाए बोले या अली और वापस या अली। मौला सलामत रखे तो गोट वलियों के वली की सर नबियों के नबी का अब हजरत अली की नमाज असर बाद ये बच्ची है छोटी सी इस तरफ को एक छोटी बच्ची है ये छोटी बच्ची है ये बच्ची खो गई है स्टेज पर है। जिसकी भी बच्ची हो वो आ जाए बच्ची बेचारी डरी हुई है किसी खातून के हवाले कर दीजिए। नबी की सूरत को देखते कभी आसमान के सूरज को देखते क्या बात है भाई यहाँ पे क्या मेकर है। लगता है कि पूरे जलसे का कोई मेन मसला यहीं पे कोई उलझा हुआ हर वक्त यहाँ पे भीड़ है और ये बिल्कुल मेरे करीब है यहाँ तो मामला बिल्कुल जागता हुआ बेदार मामला रहना चाहिए। हाँ, तो जितने करीब बैठे हुए लोग हैं बोल दे सुभान अल्लाह। आप
भी जरा मोहब्बत से बोल रहे सुभान अल्लाह। और एक एक शख्स हमतन कोश हो जाए, टाइम बहुत कीमती है। अब तो मैं खुद को तैयार कर सका खुद को तैयार कर लिया। हजरत अली कहते कि नमाज अज़रा ने अदा फरमा ली थी और अली की बाकी थी। अली कभी नबी की सूरत को देखते, कभी आसमान के सूरज को देखते, कभी सूरज को, कभी सूरज को, कभी सूरज को, कभी सूरज को, कभी आसमान के सूरज को, कभी नबी की मनमोहनी सूरत को। अब अली उस सूरत को देख रहे हैं। आप इजाजत दें तो एक शेर पेश कर दो कि क्या हुस्न है, जमाल है, क्या रंग रूप है, क्या हुस्न है, जमाल है, क्या रंग रूप है, वो भीड़ में भी जाए तो तन्हा दिखाई दे। भीड़ में भी जाए तो तन्हा दिखाई दे। वो सूरत मेरे नबी की, वो मेरी माँ बहनों हजरत आयशा सिद्दीका कौन है, मेरे नबी की प्यारी बीवी, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत मैमूना, हजरत सफिया, हजरत सौदा, हजरत हफ्सा, हजरत उम्मे सलमा, हजरत उम्मे हबीबा, हजरत ज़ैनब बिनत जहश, हजरत ज़ैनब बिनत खुज़ैमा, हजरत जुएरिया रजी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, ये है मेरे नबी की बीवियां और ये है उम्महातुल मोमिनीन। तो हजरत आयशा कहती है, गौर करना माँ बहनों, कुंतु अखीब, मैं अपना कपड़ा सिल रही थी, फसकतत मिन इब्रा, मेरे हाथ से सुई गिर गई, तलब तुहा मैं ढूंढती रही, सुई ना मिली, तलाशे बेसियार के बाद भी सुई ना मिली। ओ माँ बहनों, पता ये चला कि अपना काम आप अगर अपने घरों में अपने हाथ से करती हैं तो ये उम्मुल मोमिनीन की सुन्नत है, बिन्ते रसूल की सुन्नत है। वो कहती है सुई ना मिली, तलाशे बेसियार के बाद भी सुई ना मिली, इधर देखे फदखल रसूलुल्लाह, इसी बीच सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम, रसूल मुहतशम, शफी उलूम, शहर यार इरम, दादार हरम, सैयदुल अरब वल अजब, साहिब जुदो करम, तशरीफ ले आए। वो हजरत आयशा फरमाती है, फतबयनतिल इबरा पेशवाए नूरे बचे ही।